देखिए आपको जैसे डाइविंग क्वेश्चन दिखाया जाएगा वो कैसे बनाया जाता है वो आपको दो मिनट आपको बता देते हैं। और इसमें जो ब्लॉक यूज किए जाते हैं लकड़ी के ब्लॉक, इसमें मिनिमम टू कलर टू ब्लॉक्स एंड हाईएस्ट 7 कलर एंड 7 ब्लॉक। और जो कलर यूज करते हैं सारे नेचुरल कलर एंड डिजिटल कलर। अगर आप बाई चांस ऐसे कोई सा चीज परचेज करते हैं आपको मिनिमम टू ईयर का राइटिंग में गारंटी मिलेगा कलर एंड सेकेंड फैब्रिक का, सम स्टफ 5 ईयर सम स्टफ 10 ईयर गारंटी फॉर द कलर एंड सेकेंड फैब्रिक्स। सो ये हरा कलर जो आप देख रहे हैं बनता है पालक और मेथी से, और जो पीला कलर आप देख रहे हैं बनता है कच्ची हल्दी से। अभी जो आपको दिखा रहे हैं मिनिमम टू कलर्स है जो हमारे एक्सपर्ट कारीगर से जो इसमें प्रिंटिंग करते हैं, इसमें मैक्सिमम 5 कलर एंड मैक्सिमम 7 कलर यूज करते हैं। तो इसका ये फर्स्ट कलर यूज होता है फर्स्ट ब्लॉक आउटलाइन जिसको मास्टर ब्लॉक बोला जाता है। तो ये कलर्स के साथ और कुछ मिक्स नहीं होता है रिटेन करने के लिए? ग्रीन कलर लाइक स्पिनच वी आर यूजिंग लाइक ए पालक, जैसे खराब हो जाता है उसको कम से कम 4 से 5 दिन तक धूप में ड्राई किया जाता है। इसका फिर क्या पॉलिश बनाया जाता है, पाउडर बनाया जाता है, उसको ब्लू होता है अपना गोन। हाँ वही नहीं, वही सोच रहा था कि होल्ड क्या बाइंड कैसे करेगा, कुछ बाइंडर से उसमें मिक्स किया जाए जिसका कलर फिक्स एंड परमानेंट हो जाए। तो ये देखिए आप इसका फर्स्ट कलर होता है फर्स्ट ब्लॉक आउटलाइन के लिए जिसको मास्टर ब्लॉक बोला जाता है। ये इसका आउटलाइन मास्टर ब्लॉक। इसके बाद इसका सेकंड कलर यूज होता है सेकंड ब्लॉक। इस टाइम में प्रिंटिंग किया जाता है। इसका प्रिंटिंग खत्म होने के बाद इसको 4 से 5 घंटे तक ड्राई इन सनलाइट धूप में सुखाया जाता है। इसको वॉश किया जाता है सोल्टी वाटर नमक के पानी जिससे इसका कलर फिक्स एंड परमानेंट होता है। इस टाइम जो आप प्रोसेस देख रहे हैं यहाँ का जयपुर का सबसे फेमस यहाँ का जयपुरी रजाई बनाया जाता है 100 ग्राम का। उस रजाई का खासियत होता है जैसे गन्ना मेला होता है एज इट इज आप वॉश कर सकते हैं बाय हैंड बाय मशीन। एंड सेकेंड बैच शीट्स यहाँ का स्पेशलिटी महारानी साड़ीज बांधनी साड़ी सूट्स कुर्ती स्कर्ट्स एंड मैनी मोर थिंग्स। सो आप इसी टाइप में जो भी रेडिकेशन आप देख सकते हैं।